मित्रों नमस्कार। आज आपके बीच कुछ और खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। आज 31 मई है और यह महीना आज खत्म हो जाएगा भारत के लिए, वैसे तो पूरा विश्व के लिए, लेकिन भारत के लिए ये महीना, मई का महीना बहुत बड़ा संकट लेके आया, बहुत बड़ी आफत बन के आया। जो कोरोना की दूसरी लहर आई, जो मार्च से बढ़नी शुरू हुई, अप्रैल में उसने काफी उछाल ली, लेकिन मई में वो काल बनकर आया और हमारे देशवासियों को बुरी तरह से झकझोर कर चला गया। कई कई परिवार खाली हो गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में चार चार लोग मारे गए हैं इस कोरोना के कारण। बहुत सारे मित्र ऐसे थे, मेरे स्टूडेंट, जो चार स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, वो चले गए। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो इस कोरोना के महामारी से अछूता रह गया हो, किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा है, चाहे वो संक्रमण से रहा है या उसके परिवार से किसी सदस्य की मौत हो गई। तो इस मई महीने में जो सबसे बुरी खबरें आई और जिस हम सब लोगों ने इसको झेला और परेशान रहे, इस मई में 1,14,000 लोग, 1,14,000 लोग केवल मई महीने में मरे और सिर्फ कोरोना से मरे। जो बाकी बीमारियां, जैसे कहते हैं कि हमारे देश में तो टीवी से या और जो दूसरी बीमारियां उससे तो 14-15 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, पॉल्यूशन से मरते हैं, एयर पॉल्यूशन से, लेकिन चूंकि उन मौतों को सामान्य मौत इसलिए माना जाता है कि लोगों को बीमारी लगती है, फिर उसका इलाज होता है, फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि अब ये स्वस्थ होगा नहीं होगा, तो मेंटली आदमी तैयार होता है। ये जैसे कैंसर है तो जो असाध्य बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों को इलाज चलता है और लोगों को पता होता है कि ये बीमार है, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी है जिसे कुछ पता ही नहीं है। अच्छे खासे लोग जो टीवी चैनल के एंकर, रिपोर्टर्स जो कार्यक्रम करके गए और घर पहुंचे, बुखार आया और एक दो दिनों में ही उनका देहांत हो गया, इस तरह के केस आए जिनको पहले कोई बीमारी नहीं थी लेकिन बीमारी लगी और उसके बाद चले गए। हमारे डॉक्टर के अग्रवाल को आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की। रोज वो ओपीडी लगाते थे ऑनलाइन और वहीं इलाज करते थे, आप उनसे सवाल पूछते थे, वो आपको दवाई बताते थे, कितने लोगों को उन्होंने ठीक किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच से चले गए। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे लोग थे जो बहुत प्रिय थे और इस महामारी में चले गए। तो मई महीना हमारे लिए सबसे बुरा रहा, सबसे खराब रहा। 1,14,000 लोग केवल मई महीने में लील गए और जो दुनिया में कुल लोग मरे हैं उसका 32.3% लोग हिंदुस्तान के मरे हैं। देश में महामारी से मौत का आंकड़ा करीब 54% बढ़ा, यानी जो एवरेज था वो इसके कोरोना के कारण ज्यादा हो गया। आप देखिए कि देश में कोरोना की दूसरी लहर में सर्वाधिक घातक साबित हुई। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार 30 मई 2021 तक भारत में कोरोना के कुल 2,11,835 मौतें दर्ज की गई थी, जो पहली लहर में मई से पहले, जो अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक 2,11,835 लोग मरे थे, लेकिन केवल मई में 1 मई से 29 मई के बीच में 3,25,972 लोगों की मौत हो गई। यानी जो 2,11,000 केस थे उनकी संख्या 3,25,972 हो गई और इसमें से 1,14,000 लोग केवल मई में, यानी 29 दिनों में लोग मरे। और हमारे देश में जो आंकड़े आए थे वो 4,000 प्रतिदिन के हिसाब से आए थे, आज भी हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं करीब 3,500-3,600 के आसपास। दुनिया भर में एक माह में इतनी मौतें और कहीं नहीं हुई है। 1 मई से लेकर 29 मई तक 3,53,254 लोगों की मौत, इस लिहाज से विश्व में मई में 32.3% मौतें अकेले भारत में हुई है।
हालांकि भारत में लोगों के ठीक होने की दर 1.1% है, ठीक होने की दर ऊंचा रहने के कारण ही भारत में 25 करोड़ लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, करीबन 25 करोड़ 45 लाख लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, सरकार ने भी बहुत कोशिश की, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं। उसके अलावा जो इम्यूनिटी है हमारे हिंदुस्तानियों की, और हमारे यहाँ लोग जो आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, जो योग करते हैं, जो एक्सरसाइज मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसके कारण लोगों की जो मृत्यु दर थी वो कम थी और अन्य देशों की तुलना में। एक महीने में हमारे देश में 29 दिनों में 87,36,398 नए संक्रमित केस आए। हमारे देश में 4 लाख के हिसाब से प्रतिदिन केस आ रहे थे, आज भी हमारे यहाँ 1,85,000 के आसपास केस आए। तो हमारे देश में आप समझिए कि पूरे मई महीने में 3 लाख से ऊपर प्रतिदिन केस आए, 3 लाख के हिसाब से, और 4-5 दिन तो 4.25 लाख केस प्रतिदिन आए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो ये हमारे देश में हुआ। पूरी दुनिया में जो संक्रमित हुए थे लोग, 1,90,00,000 लोग संक्रमित हुए थे इस एक महीने में, और उसमें से 87,36,000 हमारे देश में संक्रमित हुए थे। देश में 30 अप्रैल 2021 तक कोरोना से उबरने वालों की संख्या 1,56,00,000 थी, जो 29 मई तक बढ़कर 2,54,00,000 हो गई है। इस दौरान 98,00,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जो पूरी विश्व की बात करें तो पूरी विश्व में 2,23,00,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए पूरी दुनिया में। ये क्योंकि अभी लोगों के पास थोड़ी सी दवाई आ गई, टीका आ गया, या उसके डॉक्टरों ने कुछ तोड़ निकाल दी, तो इसलिए मृत्यु दर थी उसमें थोड़ी सी कंट्रोल हुआ। लेकिन हमारे देश में आज भी करीबन 4,000 के आसपास, 3,000 से 4,000 के बीच में केस आ रहे थे। इस दौरान मई में आपने देखा कि जब हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन के लिए, लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो कैसे हमारे देश में कुछ ऐसे भी राक्षस थे जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की, ऑक्सीजन को बेचा और कई कई दामों में बेचा। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, जो सामान्य तौर पे 15,000 से लेकर और 40,000 तक के बीच में आ जाता है, एक अच्छा, अगर आप अच्छी कंपनी का लें, जापानी लें या कोरिया का लें, तो आपको 30 से 35-40 हजार तक अच्छा मिल जाएगा। तो जो एक साधारण सा छोटा सा जो कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसको लोगों ने 1.5-1.5 लाख में बेचा, और अच्छे की तो कोई कीमत नहीं थी, 7-8 लाख में बेचा। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था, जिसका इस कोरोना से कोई मतलब नहीं था, उसको भी लोगों ने 40-40 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेचा, जिसकी मार्केट कॉस्ट का लगभग 800 रुपये है। ऐसे बहुत सारे राक्षस हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने ऑक्सीजन की जगह अग्निशमन यंत्र बेच दिया, जो आग बुझाने का, जो लाल रंग का जो सिलेंडर होता है, उसको ऑक्सीजन की जगह लोगों ने बेच दिया। एक फैक्ट्री तो सील हो गई है हिमाचल में, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसमें ग्लूकोज डाल के, ग्लूकोज जो डिप चढ़ती है इंसान में, बीमार आदमी, उस डाल के लोगों ने बेच दिया 40-40 हजार। तो ये देश जो हम नैतिकता की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम भारतीय संस्कृति की, कैसे वो इस दौरान हमारी संस्कृति तार तार, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बेफिक्री कर दी, हम लोग घरों से निकल पड़े, बाजार सामान्य तौर पर भीड़ लगने लगी, हमने 2 गज दूरी का पालन नहीं किया, और ऑफिस भी पूरी तरह से खुल गए, फैक्ट्रियां भी पूरी तरह से खुल गई, मेट्रो बसें सब चलने लग गई। तो ये सब उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन अभी भी अगर हम संभल जाएं, क्योंकि जो आज केस आए हैं करीबन
190,000 के आसपास आए, जो 4 लाख से घट गए, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन 1,90,000 आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका में ब्राजील में जहां के 60-70 हजार थे, वहां 22,000-20,000 के आसपास हो गए, तो हमारे यहाँ अभी भी 2 लाख के आसपास आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आंकड़ा। इसमें सरकार तो जो कर ही रही है, लेकिन इसमें हम सबकी, नागरिकों की बड़ी भूमिका हो जाती है, और उसमें हम सबकी भूमिका है, हम सबको जागरूक करें, लोगों को बेवजह फालतू में घर से बाहर ना निकलने दें। इसके अलावा एक जो खबर है वो महत्वपूर्ण भी, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। आज 1 जून से, यानी कल से, 5 ऐसे नियम है जो हम सबको प्रभावित करेंगे। एक नियम क्या है, जो पीएफ खाते हैं उसको आधार से जोड़ना जरूरी है, अगर आधार से नहीं जोड़ा होगा तो डिसेबल हो जाएंगे, इसलिए उसको आधार से जोड़ना है, और इसलिए भी वो जोड़ना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो फ्रॉड होती हैं, आपका पीएफ का पैसा ले लेती हैं, जमा नहीं करती हैं, आपके पीएफ का पैसा वो खा जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं इसमें ईपीएफओ में कि कर्मचारियों को का पीएफ ले लिया लेकिन जमा नहीं किया और उसको नहीं दे रहे हैं, और अब वो धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए अगर आधार से जुड़ जाएगा तो आपको डे टू डे जो डेवलपमेंट होगा, जो भी आपके खाते में पैसा जाए, वो आपको पता चलता रहेगा। दूसरा, आयकर विभाग ने अपनी जो वेबसाइट है नई वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो, तो इसलिए 1 जून से लेकर 7 जून तक वो बंद रहेगा, और 7 जून के बाद वो नई डिजाइन आपके सामने आ जाएगी। उसमें वो थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली होगी, लोगों उसमें आसानी से लॉग इन कर सकेंगे, आसानी से असेसमेंट कर सकेंगे, अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे, तमाम चीजें इसमें सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने में चेक भुगतान का नियम बदलेगा, चेक पेमेंट के नियम में बदलाव करने जा रहा है बैंक। अगले महीने से पॉजिटिव पे कंफर्मेशन लागू कर रहा है, इसमें 2 लाख रुपए तक के चेक पेमेंट पर ग्राहकों को रिकन्फर्म करना अनिवार्य हो गया। इस नियम से लागू होने से लाभार्थियों की जानकारी पहले देनी होगी। दूसरा, जो यूट्यूब है, देखिए ये बात बहुत गलत है कि यूट्यूब यूजर हैं जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं, उनसे 24% के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। अब देखिए, जो यूट्यूब कंटेंट प्रोवाइडर हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब अमेरिका में रूल है कि जो यूट्यूब है ये तो 45% ये लेता है, उसमें से 24% टैक्स और लेंगे। तो जो बड़े बड़े कंटेंट प्रोवाइडर हैं जिनके पास लाखों रुपए की कमाई है, उनको तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो छोटे कंटेंट प्रोवाइडर है जिनकी इनकम ही 2-4 हजार रुपए होगी, उसमें से 24% भी चले जाएंगे, तो उसको क्या बचेगा। मतलब लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि इस तरह से टैक्स लगा के, जो ये गब्बर टैक्स जिसको हम बोलते हैं, ये गब्बर टैक्स ही हुआ कि अननेसेसरी, आप कोई आदमी अगर 1 पैसा कमा रहा है तो आपके वहां पे कुदृष्टि पहुंच जा रही है, आप वहां टैक्स लगा दे रहे हो, उनसे लूटना शुरू कर दे। तो बेसिकली लूट ही है, दाऊद इब्राहिम बंदूक के दम पे लूटता है, और सरकारें चाहे हमारी हो चाहे अमेरिका की हो किसी की हो, वो डंडे के बल पे, ताकत के बल पे लूटती है। आज एक और थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है कि लॉकडाउन के कारण जहां औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ, कम हुआ, वहीं लोगों का जो कारोबारी उत्साह है वो कम नहीं हुआ। इस बीच लोगों ने बड़ी संख्या में नई कंपनियों के गठन के लिए आवेदन किए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और 12,555 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, यानी लोगों के भी जो जज्बा है वो जज्बा कायम है, और जो भी हो ये परिस्थिति से जब हम उभरेंगे तो फिर अच्छी अच्छी चीजें हमको मिलेंगी। आज आपको याद होगा कि मेहुल चौकसी, जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है, बैंकों से, रिजर्व बैंक से कर्ज लेने के बाद भाग गया था, और भी बैंकों को उस पर कर्ज है, वो डोमिनिका में पकड़ा गया है। वो असल में एंटीगुआ और बारामूडा के बीच में वो डोमिनिका जा रहा था, और वहां जो वहां के बारामूडा के पीएम है गैस्टन ब्राउन, उन्होंने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को
लंच के लिए या आउटिंग के लिए लेके जा रहा था। ये भी कमाल की बात है कि जिस आदमी पर कानून की तलवार लटकी हो और जो जान बचाने के लिए विदेशों में भाग रहा हो, कभी यूरोप दिखाई देता है, कभी कनाडा दिखाई देता है, कभी कहीं दिखाई देता है, और अब वो जान बचाने के लिए छोटे छोटे जो टापुओं का देश है वहां गया और वहां भी वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया और अब उसको भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। उसको बारामूडा ने कहा है एंटीगुआ कि हम उसको दे देंगे, लेकिन वहां की जो हाईकोर्ट है उसने अभी उस पर बैन लगा दिया, स्टे कर दिया, तो वो स्टे हो सकता है कुछ दिनों में खुल जाए। लेकिन ये स्थिति है कि एक आदमी जो जिसके जिसको जान के लाले पड़े हैं वो गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है और अपनी जान उसने दोबारा से सांसद में डाल दी। तो मित्रों आज क्योंकि मई आज खत्म हो रही है तो मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में एनालिसिस कर लिया जाए, और खासकर कोरोना को लेके कि कोरोना हमारे देश के लिए बहुत घातक रहा। ये मई महीना शायद इतिहास में एक बहुत ही क्रूर महीने के तौर पे याद किया जाएगा। तो मित्रों इतना ही, आपके अगर कोई क्वारी हो तो मुझे जरूर भेजिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए नमस्कार।